घुटने का दर्द क्या है, क्यों होता है, किस किस को होता है, कब होता है, उसके कारण क्या है, रीजन क्या है, ये सभी चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा आपकी भाषाओं में, क्यों मैं मेडिकल टर्म यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन जहां पे मुझे शब्द नहीं मिलते हैं वहां पे शब्द यूज हो जाएगा। घुटने का दर्द ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे किसी को मरीज करके संबोधित नहीं करूंगा। लेकिन कई लोग यहाँ पे चार पांच लोग जो है जिनको रूमेटेड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया की बीमारी कहते हैं, जिसको संधिवात भी कहते हैं, दो या चार लोग है, यानी उनके जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में आरए फैक्टर यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर पॉजिटिव पाया जाता है, उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वो बीमारी है, लेकिन उनके घुटने के लिए हम ट्रीटमेंट यहां पे दे रहे हैं। लेकिन घुटने का दर्द यानी क्या, आप लोगों को समझना चाहिए। कहीं भी जाते हो आप लोग डॉक्टर के पास तो पैर कहते हैं गैप पड़ गई है, घुटने में गैप पड़ गई है, लेकिन गैप नहीं पड़ती कभी, गैप कम हो जाती है, यानी अपने घुटने के बीच में जो जगह होती है जहां हम कहते हैं हमारी भाषा में कार्टिलेज, मेनिस्कस, आप लोगों की भाषा में आप कह सकते हैं ग्रीस या ऑयल, जो कई कारणवश नष्ट हो जाता है और हड्डियों के ऊपर हड्डी रगड़ती है, जो आपने देखे होंगे एक्सरे आपके पास जो निकाले हमने, हम एक्सरे इसलिए निकालते हैं क्यों आज की पोजीशन क्या है, हम चार महीने के बाद दोबारा एक्सरे करने वाले हैं, उस वक्त हम देखेंगे कितना जॉइंट खुल गया है, यानी ये खुलना चाहिए। पहले जमाने में यानी पहले साइंस में कहते थे, मेडिकल साइंस में, कार्टिलेज यानी वो जो ग्रीस होता है दोबारा होता नहीं है, उसका कारण था, यानी जब तक ये घिस रहे तो कहां से दोबारा बन जाएगा, ये नहीं बनता था। अभी का साइंस कहता है दोबारा बन सकता है, कब, इसको खोलना चाहिए। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा, कई लोग जानते होंगे, इंटरनेट में स्टेम सेल्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है जो कार्टिलेज बढ़ाने में मदद करता है। बाजार में काफी मेडिसिन आई हुई है जो कार्टिलेज बनाने में बूस्टर डोज के तरीके काम करती है। पहला हमारा काम है जो घुटने आपके टेढ़े हो गए हैं, यानी इसके कारण घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं आपकी भाषा में बोले, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं जेनुआरम, ये टेढ़े जो हुए हैं उसको हमें सीधा भी करना है, वो आप लोग भी देखेंगे, हमारे साथ रहेंगे तभी, साथ साथ इसको खोलना है। इस सब प्रक्रिया को, इसी सभी क्रिया को कम से कम साल डेढ़ साल लगता है। ऐसे न मत सोचिए कि मैंने आज लगा दिया कल अच्छा हो जाएगा, मेरे आप पे कोई जादू नहीं है कि छड़ी घुमा लिए और अच्छे हो गए। ये साइंस है जिसे हम कहते हैं बायो मैकेनिक्स, ह्यूमन फिजिक्स। यानी क्या होता है, आपके घुटने के ऊपर जो बल आता है उसको हम इस ब्रेस पे यानी इस जॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जिन्होंने आज पहने होंगे उनको पता चला होगा, तो इसको हम इस जॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी उसे हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो ऑफलोडिंग ब्रेस, यानी इसका जो बल होता है, वजन होता है, इसको ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको खोलने की क्रिया करते हैं। इसलिए जेबी साहब ने कहा है आपको, जब सितंबर में आप आएंगे 28 तारीख को, उस वक्त इसमें अलाइनमेंट की जाती है, यानी करेक्शंस होता है, साथ साथ आपका रिपेयर वगैरह सब होते रहेगा। ये सब क्रिया हमारी साल डेढ़ साल तक चलने वाली है, यानी हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट जो होता है उसको बंद करना है, तो ध्यान पूर्वक इसको इस्तेमाल करना है, यानी ऐसे नहीं है पैसे आपने दिए, मेहनत के पैसे हैं, उसका पूरा फायदा होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बांधना नहीं आता है तो जाके खिल्ली पे लटका दो उसको, उसको नहीं करना है। तो समझ में आपको घुटने का दर्द क्या होता है,
ये क्यों होता है? इसके प्रमुख चार कारण है। पहला कारण है हेरिडिटरी प्रॉब्लम, वंश से चला आया हुआ है। मैंने कहा ये बीमारी नहीं तो क्यों चला? आप पूछेंगे आपके घर में, फैमिली में, मायके में या कहीं पे किसको ये तकलीफ हो? कहते मम्मी को है, पापा को है, चाचा को थी, बुआ को है, ये वंश से चला आया। यानी उनके फैमिली में जो जो स्नायु होते दो, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, ये कमजोर होते हैं और ये कमजोर होने के कारण हड्डियों की पकड़ने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। हड्डियां जो पकड़ी जाती है उसमें मसल से स्नायु है, लिगामेंट्स है, टिश्यूज है, इससे ये पकड़ा जाता है। तो ये कम होने के कारण यानी ये घर्षण हो जाता है। तो हमने निवेदन किया है जिनके फैमिली में ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को संभालना है, क्यों नेक्स्ट जनरेशन में आफ्टर 30-35 उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम जो कसरत आपको देंगे, आपके सभी बच्चे उस कसरत को करेंगे सुबह और शाम, और किसी बच्चों को मोटापा नहीं हो, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है प्रोफेशन, व्यवसाय। प्रोफेशन यानी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर है, उनको भी ये तकलीफ होती है। तीसरा कारण है ट्रोमा यानी एक्सीडेंट के वजह से, जैसे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं छत पे से गिर गए हैं, ऐसे कई कारणवश इनको ये होता है। और फोर्थ यानी चौथा कारण है उम्र के हिसाब से। आप लोग यहां खड़े रह के देखेंगे ज्यादा लोग तो उम्र के हिसाब से पीड़ित है, यानी एजिंग प्रॉब्लम। मैं मेरा ये उदाहरण दे दूं, जब मैं ग्रोन अप हो गया यंग, इसमें मेरे हाइट 6 फीट 2 इंच थी, आज मेरे हाइट 6 फीट 1 इंच और कम होती जा रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिटोरेशन यानी कमी होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घुटने में दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 इंच कम तो हो गया है। तो ये कारण है एजिंग प्रॉब्लम में आती है। आप उसमें देखेंगे तो 60% महिलाएं पीड़ित है और 40% पुरुष वर्ग पीड़ित है। मुझे डॉक्टर साहब का याद आ गया, महिला आगे है, बिल्कुल आगे है डॉक्टर साहब। क्यों? उनको ज्यादा होता है, समझ में आया? मोटापा। कल मैंने कम से कम 196 पेशेंट देखे हैं, मरीज देखे हैं, लेकिन उसमें से जो महिलाएं मेरे पास आई थी क्विंटल के ऊपर वाली थी, है यहां ही बैठी है, हाथ ऊपर करो जिनके 100 किलो है, कोई नहीं करेगा, है ना? यानी हमने उनको निवेदन किया है, लेटेस्ट स्टडी जो कहती है उसमें पहले क्या कहते थे, हाइट जितनी है, ऊंचाई जितनी है, उतना वजन होना चाहिए, अब नहीं है। 50 के बाद महिला का वजन 60 किलो के अंदर होना चाहिए और पुरुष का 75 किलो के अंदर होना चाहिए, ये लेटेस्ट स्टडी कहती है। तो हमने निवेदन किया है सबको, फिर से करते हैं, खान पान पे ध्यान देना है। मुझे इस जॉब क्या मिले थे कल, हमने चलना नहीं होता है ना, इसीलिए हो गया है। मैंने फिर एक महिला को पूछा था, चलना तो नहीं होता है, सुबह पराठे कितने खाते हो? 2 खाते हैं पराठे। तो हमने निवेदन किया है तली हुई चीजें, मिठाइयां, पापड़, अचार, चावल, आलू की सब्जियां या पराठे नहीं खाने चाहिए, ठीक है? फ्रूट से जो फल है, 6 फल होते हैं, काफी मीठे होते हैं, उसको नहीं खाने चाहिए। कौन से? केले, चीकू, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल हमारे यहाँ कहते हैं, यहाँ पे शराफे कहते हैं मेरे ख्याल से, कस्टर्ड एप्पल और मैंगो नहीं खाने चाहिए।
प्यार से खाए होंगे सभी ने, अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे मैंगो, हमारे यहाँ तो बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो एक महिला ने मुझे सवाल किया, साहब आपने सब कुछ निकाल दिया, खाएंगे क्या? सही है उनका कहना, खाएंगे क्या? हमने कहा सुबह एक रोटी बना लो, लेकिन गलती से भी उसके ऊपर घी मत लगाओ, ठीक है। 10-11 बजे गाजर मूली यहाँ पे पंजाब में बहुत बढ़िया मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती इतनी अच्छी। कैबेज है, गाजर मूली है, उसका सेवन कर लो, कच्चा खा सकते हो, नहीं बात आए तो उबाल के खा लो उसको। और दोपहर को एक ही रोटी हम लोग फुलका कहते हैं, आप लोग भी फुलका कहते होंगे, हाँ, तो एक ही फुलका, सब्जियां सब खा लो, तेल कम, शाम को भूख लगेगी। फिर 5-1 बजे आजकल बहुत अच्छी बिस्किट्स भी मिलती है, रामदेव बाबा का तो ऐड आता ही है, लेकिन बाजार में काफी मार्केट्स में मिलती है, जो ओट्स की वगैरह बनाई रहती है, 1-2 बिस्किट ले लो। चाय में चीनी कम, चाय 5 बार पीते हो तो 2 बार आ जाओ, और रात को फिर एक ही फुल्का खाना है, दिन भर पेट भरा रखना है, समझ में? तो पेट भरा रखिए तो ये आप फाइबर फूड जितना लेंगे तो वजन कम हो जाएगा। तो ये 4 प्रमुख कारण है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। उसके बावजूद एक कारण है जो आपके लोग यहां से मानसा मोगा से आते हैं, वहां पानी की प्रॉब्लम है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये तकलीफ होती है। वहां घुटने के दर्द ही नहीं होते हैं, आप देखेंगे उन लोगों के दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तो ये पानी के कारण होता है। तो वो लोग भी हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे। अभी घुटने का दर्द होगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दर्द होने के बाद गोलियां खा लेते हैं, जो मिले उसको खा लो, नहीं तो मालिश कर लेते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, आजकल मुझे नया फैशन देखने मिला है लास्ट 2-3 साल से, पैर में काला डोरा बांध देते हैं। सही है, कई महिलाओं ने बांधा होगा पैर में काला डोरा, मैंने पूछ लेता हूं मैं कहां से बांधा, नहीं हमारे यहाँ एक मुसलमान परिवार है उन्होंने कहा बांध दो। कई लोग कहते नहीं मेरे बहू है उनके माता जी ने कहा था ये बांधेंगे तो पैर अच्छा हो जाएगा, नहीं होता है। तो अंधविश्वास पे भी नहीं रहना है, बिल्कुल अंधविश्वास निकाल दीजिए। अभी जिन्होंने बांधा है ये बांधने के बाद उसको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, कहें कहीं हम लोग जाते हैं, हम लोग साउथ में बहुत घूमते हैं, तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक में क्या करते हैं पता है, 1 रुपये का 2 रुपये का कॉइन होता है ना, उसको गर्म करते हैं और उसको लगाते हैं यहाँ, यानी डाक देते उसको गर्म गर्म के लगा के। अब उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन उसी पे चला जाता है, आप ये भूल जाते हो और आपको लगता है अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब ये रगड़ रहे हैं ये अच्छा कैसे होगा, फिर ऑपरेशन हम क्यों करेंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन करना है कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो कोई गोलियां नहीं खानी है, लेकिन आपको दूसरी बीमारी है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर वगैरह हो, या अस्थमा है, या दूसरी कोई बीमारी है, उसकी दवाइयाँ जैसे आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस ढंग से ले लो। हमने कहा है खाली घुटने के दर्द के लिए कोई दर्द की दवा नहीं खानी है, होम्योपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक नहीं, और कोई तेल का मालिश नहीं करना है, और खास करके ध्यान देना है टीवी एडवर्टाइज पे जले मत, जो आजकल एक्टर लोग बहुत आते हैं एक्टिंग करते हैं और बताते हैं कि ये लगाने से अच्छा होता है, ये सभी पेन किलर से, तो इसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि हमें इसको खोलना है, पैर को सीधा करना है। तो ये 4 प्रमुख कारण है, 5वां कारण ये है। इस ब्रेस को हमें सुबह से शाम तक बांधना है, बहुत मेहनत है इसमें। जैसे हम सुबह उठेंगे हम लोग ऐसी कसरत की एक पर्ची देंगे, जो मैंने कहा है जिनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है उनके बच्चे भी करेंगे। इसमें 8 कसरत दी हुई है जो हमारे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग के लिए है। सुबह उठने के बाद बेड पे करनी है, 10 मिनट लगेंगे आपको, बहुत सिंपल है।
इसमें कसरत नंबर 6, 7 और 8 में हमने कहा है वजन बांधना है, तो क्या करना है, रेत लेनी है, सैंड लेनी है, 500 ग्राम थैला बना दो, नाड़ा लगा दो और उससे बांध दो, जैसे यहां बताया हुआ है, या बाजार में भी मिलते हैं सर्जिकल स्टोर में, लेकिन वो महंगे पड़ेंगे, 100 रुपया देना पड़ेगा। घर में तो आप गेहूं भी ले सकते, कुछ भी लग सकते। 500 ग्राम का बांधना है, सुबह उठने के बाद इसको कसरत कर लीजिए, फिर ड्रेस को पहन के हमें सुबह 1 घंटा मॉर्निंग